I'm back with another interesting video of daily conversation sentences. कल तुम कहाँ गए थे? ये सब किसने किया? कौन-कौन लोग आए थे? तुमने मार्केट से क्या-क्या खरीदा? इस तरह के सेंटेंस जब बोलने हो, कैसे फ्रेम करेंगे? क्या-क्या खरीदा के लिए क्या बोलेंगे हम? What you buy? No, it's not like that. तो किस तरह से फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस को? आइए मैं बताती हूँ. So, let's learn. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और किस तरह से उनको सेंटेंस में यूज करते हैं, और इसके बाद हम इन्हीं वर्ड्स से सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे. तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा वर्ड है क्या. क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट. ठीक है, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट. क्या क्या ऐसे पूछना हो, दो बार बोलना हो, क्या क्या तुमने क्या क्या खाया, ऐसे बोलते हैं व्हाट ऑल. What all you eat? क्या क्या खाया? तुमने क्या क्या खरीदा? What all you buy? क्यों? क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं why? तुम वहां क्यों गए थे? Why have you gone there? कब? कब को इंग्लिश में कहते हैं when? तुम कब आए? When did you come? कब आए? कब और क्यों? कब और क्यों? कभी कभी हमारा क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो जाता है. कब और क्यों को इंग्लिश में कहेंगे when and why. कब और क्यों. कभी ऐसे कहते हैं कब और कैसे, how and when. कब कब, how often. कब कब ऐसा होता है, how often it happen. कहां, where. कहां को इंग्लिश में पूछेंगे where. कहां कहां, जब दो बार पूछना हो कहां कहां, तो कैसे कहेंगे where all. कहां कहां, वेयर ऑल. जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या, क्या क्या दो बार यूज करते हैं तो कहते हैं व्हाट ऑल. ऐसे ही कहां कहां पूछना हो तो वेयर ऑल. कैसे, हाउ. कैसे, हाउ. और देखिए किस तरह, किस तरह से, हाउ कम. किस तरह, हाउ कम. किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, या फिर व्हाट टाइप ऑफ. किस तरह का पर्सन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज. इस तरह से कौन, कौन के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं हु. कौन कौन दो बार ही बोल रहे हो तो हु ऑल. कौन कौन, हु ऑल. कौन सा, विच वन. कौन सा, विच वन. कौन कौन से, कौन कौन से के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं विच ऑन. कौन सा के लिए कहेंगे विच वन, और कौन कौन से के लिए कहेंगे विच ऑल. किसका, हुज. किसका, हुज. किसे, किससे या किसको. जब इस तरह के वर्ड बोले हो तो सभी के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं होम. किसे, किसे के लिए भी हम इंग्लिश में कहते हैं होम. किससे, इसके लिए भी हम होम कहते हैं, और किसको, इस वर्ड के लिए भी इंग्लिश में हम कहते हैं होम. कितने, हाउ मेनी. कितने के लिए क्या कहते हैं, हाउ मेनी. नेक्स्ट देखिए, अगला है हुज. हुज मतलब किसका. अगर हमें ऐसे पूछना हो यह किसका है, हुज इज दिस. कितने, हाउ मेनी. जब कोई काउंटेबल चीज के लिए हम पूछते हैं कितने, तो कहेंगे हाउ मेनी. जब कोई अनकाउंटेबल चीज हो कितने, तो कहेंगे हाउ मच. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच. कितनी देर, कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग. कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग. कितनी बार, हाउ ऑफन. कितनी बार. देखिए कैसा, कैसी, कैसे. इस तरह से जब पूछना हो तो कहेंगे व्हाट लाइक. इसके लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कैसे इसका यूज होता है व्हाट के साथ में लाइक का. और यूज होता है जैसे हम कन्वर्सेशन में कहते हैं क्यों, किस लिए, फॉर व्हाट, या फिर व्हाट फॉर. ये दो तरह से यूज होता है, फॉर व्हाट और व्हाट फॉर. कब तक, अंटिल व्हेन. कब तक, अंटिल व्हेन. किसके लिए, फॉर होम. कब से, सिंस व्हेन. कब से, समय बताने के लिए कब से, है ना. तो
आपको मैंने पहले बताया है सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, तो कब से किस समय से हो रहा है ऐसा बताने के लिए सिंस व्हेन, किसके साथ विथ हुम, किसके साथ आए थे विथ हुम यू कम, किसका हुज, ठीक है। तो ये सारे हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स बता रही हूँ, आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में मैं सारे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स से सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके जाइए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।